कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही ठहराने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का बयान आया है। मुनव्वर राना ने कहा है कि अपनी बात पर कायम रहूंगा, मुझे फ्रांस की घटना पर सच बोलने की जो सजा मिली वो मंजूर है। मुनव्वर राना ने कहा कि मैं उन लोगों की तरह नहीं जो मुकदमे वापस करवाते फिरते हैं और सच बोलने से डरते हैं। अगर मेरी बात पर कोई गुनाह सिद्ध हुआ तो चौराहे पर मुझे शूट कर दो। आमिर खान की बेटी बोल रही है कि वो डिप्रेशन में क्यों है और इस बात का जवाब वो भी नहीं दे पाएंगी क्योंकि वह खुद नहीं जानती। पिछले कई सालों से वे इस बात को समझने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई सीधा और सही जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा, आज मैं आपको मेरी सहूलियत भरी जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। पैसों को लेकर मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज का कोई दबाव नहीं दिया। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने दिवाली पर पटाखों पर रोक पर अशोक गहलोत को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि ये हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने जैसा है। वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए ईद पर बकरे की कुर्बानी पर भी पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि उससे भी प्रदूषण फैलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार चुनाव पर कहा है कि इस समय पूरी लहर एनडीए के साथ है। सभाओं ने जनता का मूड देखकर यह नतीजा निकाल सकता है और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भी स्पेशल स्टेटस है लेकिन वह कितना विकास हुआ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यह एफआईआर मुनव्वर राना के उस बयान को लेकर दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दिया। एफआईआर में इस बयान को बेमनस्ता बढ़ाने वाला बताया गया है और पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राना के द्वारा दिया गया बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है जिसकी वजह उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। फ्रांस में पैगंबर मोहब्बत के कार्टून को लेकर जहां कई मुस्लिम देशों में भयंकर नाराजगी देखने को मिल रही है वहीं यूएई में फ्रांस का समर्थन किया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई सेना के डिप्यूटी सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ्रांस के नीस शहर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। एक्ट्रेस गौहर खान की शादी की चर्चा जोरों पर है। पहले एक्ट्रेस के नवंबर की शादी करने की अटकलें थी लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गौहर खान का निकाह उनके बॉयफ्रेंड जैद दरबार से दिसंबर में फिक्स हो गया है। जनता दल यूनाइटेड नेता राजीव रंजन ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की तुलनात्मक तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के जरिए राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। बिहार में कावा नाम से जारी इन तस्वीरों में सबसे पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने शिक्षा की तुलना की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गिलगित बल्टिस्तान मामले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अब गिलगित बल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। हमारी सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा कि गिलगित बल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। अब तक 82,39,322 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5,62,455 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है जबकि 75,42,905 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,22,642 लोगों की मौत हो चुकी है। Instafeed.